हेलो एवरीवन, आप सभी के साथ नए नए तरीके की रेसिपी शेयर करने का मुझे बहुत मजा आता है। तो आज मैं जयपुर की प्रसिद्ध तिल गुड़ की गच्चक की रेसिपी लेकर आई हूँ। वैसे तो ये गच्चक बनाने में बहुत समय लगता है, अगर ट्रेडिशनल तरीके से बनाए तो मेहनत भी बहुत है, पर आज मैं बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी। यह तरीके के साथ आप इसे फटाफट बना सकते हो और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, टेस्टी टेस्टी आपकी गच्चक बनकर तैयार हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं सरोज पटेला, दादी की किचन में आपका स्वागत है। 150 ग्राम तिल है, कप के मेजरमेंट से देखेंगे इसको तो 3/4 कप है ये, और ये गुड़ है ऊपर तक फुल कप है, वजन में देखेंगे तो 250 है। ये थोड़ा सा घी है, थोड़ा सा इलायची पाउडर है। ये गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी, ये तिल इसमें डालेंगे। एक बार गैस की जो फ्लेम है मेरी फुल पे है, ये तिल भी गर्म हो जाएंगे, अपना बर्तन भी गर्म हो जाएगा, तो फिर इसको सिम पे ही इसको रोस्ट करेंगे। इसको ना हलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। छोड़ देंगे तो फिर क्या है कि कहीं से ये भून जाएंगे, कहीं से जल जाएंगे, कहीं से कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए इसको हलाते हुए ही रोस्ट करने हैं। ये तिल सर्दियों में ही खा सकते हैं, अपा गर्मियों तो इसे खा नहीं सकते, तो इसको अपने अलग अलग तरीके से इसकी डिशेस बना के आप खा सकते हो। जैसे ये मैं अब गच्चक बताऊंगी, बहुत आसान तरीके से मैं बताऊंगी, इसको बना के खा सकते हो। तिल की और गुड़ की फक्की मारो तो वो नहीं मारी जाती ना। तिल के लड्डू खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है। अब ये देखो इसका कलर चेंज होने लग गया, गैस को मैंने बंद कर दिया। इसकी क्या है कि थोड़ी सी चटकने की आवाज भी आने लग जाती है, इसकी खुशबू भी आने लग जाती है, तो ये इसकी पहचान है। आप देख रहे होगे इसको, क्योंकि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो गया, ज्यादा कलर चेंज नहीं करना। अब इसको मैं क्या करती हूँ, एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, मतलब कोई भी दूसरे बर्तन में निकाल दो ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। ये देखो ये ठंडे हो गए बिल्कुल, इसको ना एकदम ठंडे करना है, इसको थोड़ा सा भी गर्म नहीं रहे, गर्म पीसोगे तो इसका क्या है कि तिल का ऑयल निकल जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको पीसेंगे। अब इसको मैंने दरदरा पीस लिया, इसको पाउडर नहीं बनाना, बस मिक्सी में थोड़ा सा चलाया बंद किया, थोड़ा सा चलाया बंद किया, तो 2-3 बार ऐसे ही करना है, तो ये मतलब ऐसी दरदरा ही पीसेगा। ये गैस ऑन करके मैंने कढ़ाई रख दी है। अब इसमें क्या है, जो मैंने आइए आधा ही चम्मच घी का लिया था, ये डालेंगे। ये घी डाल दिया, इसके साथ ही ये गुड़ डाल देंगे। एक बार गैस मेरा फुल पे है, अभी इसको ये गर्म होते ही मैं सिम पे करूंगी, तो सिम पे ही मेल्ट करना है, इसको ऐसे हिलाते रहना है। गैस मैंने सिम पे कर दिया, अब ये सिम पे ही मेल्ट करना है, इसमें कोई पानी नहीं डालना, ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा। इसको क्या कि गुड़ को जब भी इसको आपने रखना है ना गैस पे, कढ़ाई पे डालना है, तो आपका बारीक कटा होना चाहिए, तोड़ लो अच्छे से उसको, नहीं तो क्या है कि इसकी जो गुड़ है ना जो मेल्ट होएगा, तो फिर इसकी आप जो गच्चक बना रहे हैं तो बहुत टाइट बन जाएगी, क्योंकि वो टाइम लगेगा, जो बारीक है वो तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, और जो मोटी डली है तो वो क्या होएगा, टाइम लगेगी। ऐसे कोई भी है तो उसको कोई रह गई है तो तोड़ लो। ये मेल्ट हो गया, गुड़ मेल्ट हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, साथ के साथ तिल डाल देंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और इसी के साथ जो इलायची पाउडर है ये डाल देंगे। इलायची डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है, सर्दियों में ही खाने होते हैं इसे, तो तिल के साथ गुड़ डालना तो और फायदा मिल गया अपने को, क्या हो गया, सोने पे सुहागा, कहावत है ना एक। ये लो ये मिक्स हो गया, गैस मैंने बंद कर दिया, इससे ज्यादा इसको नहीं पकाना। बहुत आसान, बहुत आसान इसको बनाना, और इसका टेस्ट भी ऐसे गजब का आएगा कि आपका मन करेगा बनाने को। ये देखो ये बन गया, गैस बंद कर दिया, अब इसको थाली में शिफ्ट करती हूँ। 2 मिनट का खेल है ये, तिल को रोस्ट करके रख लो और थोड़ा सा उसको दरदरा पीस के रख लो, बताओ उसके बाद क्या टाइम मिला, सर्दी में खाना तो होता ही है ना तिल। ये थाली को मैंने ऑयल लगा के इसको ग्रीस कर लिया, अब क्या करेंगे ये डाल दूंगी। इस मेरी इतनी मोटाई है, ये कनारी के बराबर इसको सेट कर लूंगी। अब इसकी कटिंग करते हैं, थोड़ी सी ठंडी हो गई है ये, बहुत ज्यादा ठंडी करके इसको नहीं काटना,
कटिंग कर लेते हैं, बहुत आराम से कटिंग हो जाएगी। काटने से भी आपको पता चल रहा है ये कितनी सॉफ्ट है, ये बहुत अच्छी बहुत टेस्टी बनती है। अभी देखना पूरा, अभी ये नहीं है, अभी इसको लास्ट तक देखना आप, अभी लास्ट तक देखना, अभी तो इसका फाइनल टच देना है। अब मैंने इसकी कटिंग कर दी है, अब कटिंग करने के बाद में मैं क्या करूंगी, इस पे ये पिस्ता लगाएंगे। इससे क्या है कि इसकी लुकिंग बहुत अच्छी हो जाती है, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि बाजार से अभी खरीद के लाए हो आप। अब थोड़ा सा पिस्ते का कर दिया, थोड़ा इसका बादाम का करेंगे। ये लगाने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा ना प्रेस कर देंगे, थोड़ा जो अपन पिस्ता और ये बादाम की कटिंग लगाई है तो ये गिरेगी नहीं, थोड़ी दबी होगी ना, पीस उठाएंगे तो वैसे ही अपने हाथ में आएगी और वैसे ही खाई जाएगी, इसलिए ऐसे करके इसको थोड़ा थोड़ा दबा दो। अब ये देखो ठंडी हो गई है, जम गई है। अब इसको आप ऐसे ही इधर कर सकते हो, यहाँ से आप पता क्या चलता है कि अपनी जो गच्चक बनाई है, अपनी इंस्टेंट गच्चक कह सकते हो इसको, तो वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हुई है। अब ये एक पीस मैं उठाया, अब इसको ये तोड़ा, अब ये यहाँ से देख लो, यहाँ से पता चल रहा है ना कितना मजा आ रहा है, कितना खाने का आनंद आएगा इसको। मेरे पास में होते ना तो ये मैं सबसे पहले आपको खिलाती, ये आपके लिए बहुत टेस्टी बनती है सचमुच। आप बनाना जरूर और इसको बना के मुझे बताना जरूर। थैंक यू, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, बाय बाय।